जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत वाहन चलाने वाले और साथ बैठे पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना होगा। सड़क हादसों में होने वाली मौत का ग्राफ कम करने के लिए अब सख्ती भी बरती जाएगी, यानी अब हेलमेट पहने हुए सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को ही दफ्तर में एंट्री मिलेगी। छतरपुर जिले के लवकुश नगर की प्रसिद्ध माता बंबर बैनी मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की ने सोशल मीडिया के लिए रील बनाई। फिल्मी गानों पर बने इन वीडियो को उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मंदिर परिसर में अश्लील गाने पर कम कपड़ों में डांस करने को लेकर युवती पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में रिमझिम से हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 5, 6 और 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में अच्छी बारिश होगी। राजधानी भोपाल के भोज मुक्त विश्वविद्यालय और वाल्मीकि बाद अब बाघ की दहशत मैनेट तक पहुंच गई है। सोमवार रात 11 बजे 3 स्टूडेंट बाइक से हॉस्टल जा रहे थे, तभी उन्हें बाघ अपनी ओर आता दिखाई दिया। वे इतने डर गए कि वहीं बाइक छोड़कर भाग गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आ चुके हैं। इंदौर ने सफाई का सिक्सर जड़ किया। लगातार छठवीं बार इंदौर देश भर में नंबर 1 पर आया, तो राजधानी भोपाल की ओवरऑल रैंकिंग 6वीं रही।